वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीएई का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बीएआरसी इंडियाज टॉप लेवल जॉब जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट काम करना चाहते हैं इसरो और बीएआरसी होता है इंडियाज टॉप लेवल जॉब। तो सभी स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप करता है, सबसे ज़्यादा पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट इसमें निकल के आता है। लेटेस्ट इसका रिक्रूटमेंट इस महीने में भी आया है जिसका फॉर्म फिलअप अभी भी चल रहा है। इसका बारे में अगर आप लोग को डिटेल लेना है तो मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। 266 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया है। बहुत सारा स्टूडेंट का तरफ से रिक्वेस्ट आया था, सभी स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे सर बीएआरसी का पे स्लिप का ऊपर एक वीडियो बनाएं, कितना सैलरी मिलता है स्टाइपेंडेड यानी कैटेगरी टू पोस्ट का, तो उसका ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो मेरा दोस्त इसमें काम करता है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट भी जानते हैं मैं बीएआरसी में काम करता था, 6 महीने ट्रेनिंग करने का बाद मैं जॉब छोड़ के दूसरा डिपार्टमेंट पर आ गया हूँ। लेकिन मेरा बाकी दोस्त बीएआरसी में काम करता है, उसका ट्रेनिंग कंप्लीटेड होने के बाद जॉब कन्फर्मेशन हो गया है और एज टेक्नीशियन बी पोस्ट में उसका रिक्रूटमेंट हो गया है। तो उसका पे स्लिप के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। वीडियो अगर आप सभी को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और कोई भी डिपार्टमेंट का अगर आप लोग को पे स्लिप देखना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करना, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने का। और कोई भी स्टूडेंट का अगर कोई भी रिलेटिव या कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी डिपार्टमेंट में काम करता है तो जो भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं उसका पे स्लिप अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, तो इसमें हम बाकी स्टूडेंट को भी हेल्प करा सकते हैं। और किसी का पे स्लिप लेके देख के भी कुछ हम लोग कर नहीं सकते, इसलिए सभी स्टूडेंट बिना कन्फ्यूजन का इस पे स्लिप को सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग भेज सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8583870223, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीएआरसी फैसिलिटीज कल्पकम बीएआरसी न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड एनआरबी का एक पे स्लिप है, अकाउंट डिविजन आप देख सकते हैं, पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 लेटेस्ट महीने का इसका पे स्लिप है। एम्प्लॉय नंबर सबसे पहले देखने को मिल जाएगा, नेम ऑफ द जो एम्प्लॉय है वो देखने को मिलेगा, कौन सा डिजिग्नेशन पर है टेक्नीशियन बी। तो आप लोग का जो ट्रेनिंग चलता है 2 साल का उसमें आप लोग को जो परफॉर्मेंस होता है उसका ऊपर आप लोग को टेक्नीशियन बी और टेक्नीशियन सी मिलता है। टेक्नीशियन बी वालों का जो बेसिक होता है 23,000 का आसपास बेसिक होता है, और टेक्नीशियन सी वालों मतलब जिसका परफॉर्मेंस 90% से अबव होता है उसको टेक्नीशियन सी मिलता है, और उसका बेसिक 25,000 का प्लस बनता है, ठीक है। मतलब टेक्नीशियन सी वालों को ज़्यादा सैलरी मिलता है, तो ये डिपेंड करता है आप लोग का ट्रेनिंग का ऊपर, ओके। तो आप देख सकते हैं इसके बाद आपको डिवीजन मिल जाता है, कौन सा डिवीजन में काम करता है, एनआरबी का भी अलग अलग डिवीजन होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं सी ओ एम पी नंबर मिल जाता है, इसके बाद पी एफ नंबर मिलेगा, डेबिट हेड और इंक्रीमेंट मंथ, इसका इंक्रीमेंट मंथ कब है, जुलाई 2020 में इसका इंक्रीमेंट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग देखते हैं इसका कितना ग्रॉस सैलरी बनता है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसका बेसिक पे 23,800 रुपीज़ है, ओके। टेक्नीशियन सी का 25,000 प्लस है, डी ए 7,378 रुपया, इसका कितना डी ए मिलता है, 31% डी ए इसको मिलता है, ठीक है, सेंट्रल के हिसाब से। टी पी टी अलाउंस 1,800 रुपया, डी ए ऑन टी पी टी अलाउंस 558 रुपया, टी पी टी ऑल एरिया 1,671 रुपया, डी ए ऑन टी पी टी एरिया 518, एन पी एस जो नेशनल पेंशन स्कीम होता है तो 4,365 रुपया, और जो आप लोगों को कंट्रीब्यूशन किया जाता है 4,365 रुपया, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को कितना डिडक्शन होता है इसमें आप देख सकते हैं, एनपीएस टायर वन में 3,118 रुपया, सीएचएसएस जो आप लोग का मेडिकल कार्ड होता है उसके लिए 238 रुपया, इसके बाद लाइसेंस फी के लिए 60 रुपया, पीटी के लिए 157 रुपया, ग्रुप आईएनएस के लिए 10 रुपया, एफआरएस के लिए 35, एफआरएस एरिया के 70, एनआरएस एरिया के लिए 3,118, ग्रुप्स आईएनएस एरिया के लिए -40, एनपीएस जो आप लोग को इधर देता है ये आप लोग को डिडक्शन हो जाता है, ये आप लोग को नेशनल पेंशन स्कीम में जमा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग का टोटल ग्रॉस सैलरी कितना होता है, 44,455 रुपया होता है, और आप लोग का जो नेट पे होता है वो कितना होता है, 28,959 रुपये, क्यों आप लोग का डिडक्शन होता है, ग्रॉस डिडक्शन 15,496 रुपये डिडक्शन होता है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप लोग को लग रहा है कि 30,000 से कम सैलरी आप लोग को मिल रहा है, लेकिन इसका अलग से रेडिएशन अलाउंस मिलता है, हर साल जब आप लोग को कन्फर्मेशन हो जाता है 2 साल का बाद आप लोग को रेडिएशन अलाउंस मिलता है, तो अप्रॉक्स आप लोग का 1 लाख से 1 लाख से ज़्यादा आप लोग को रेडिएशन अलाउंस मिलता है। तो ये रेडिएशन अलाउंस डिपेंड करता आप लोगों का बेसिक पेकअप, जब भी आप लोग का पोस्ट का आप लोग का
इंक्रीमेंट होगा, जब भी आप लोगों का प्रोमोशन होगा तो प्रोमोशन का हिसाब से आप लोगों का रेडिएशन अलाउंस का भी चार्ज आप लोगों को बढ़ जाएगा, 1 लाख से ज़्यादा आप लोगों का बढ़ते रहेगा, मिनिमम आप लोगों का 1 लाख रहेगा। तो 1 लाख को अगर आप लोग 8 से डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं साल में, तो 8,000 या 9,000 आप लोग ऐड कर देना, तो टोटल कितना बनता है 36-37 इसके आसपास आप लोग का हर महीना का नेट सैलरी आप लोग को बन जाता है। मतलब बहुत ही अच्छा इसमें सैलरी आप लोग को मिलता है। इसके बाद आपको पेमेंट मोड देखने को मिल जाता है, पेमेंट प्लेस, बैंक, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर आपको देखने को मिलता है। अगर पास में आप लोग देखना चाहते हैं तो फॉर्म 16 के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं, ईयरली फिगर कितना ग्रॉस एम्प्लॉय का हो रहा है, सभी कुछ आप लोग इसमें से देख सकते हैं। तो ये था आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप लोगों के पास बाकी कोई भी डिपार्टमेंट का पे स्लिप है तो एटलीस्ट आप लोग बिना कन्फ्यूजन के साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग शेयर कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8583870223, ठीक है? तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ और सभी स्टूडेंट को हेल्प कर सकता हूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।